Video number 14, simple linear regression using R. अब R को आपको सीखने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी. R को क्यों सीखना जरूरी है, R क्या रोल प्ले कर सकती है, तो ये एक टॉपिक इस वक्त हमारी डिस्कशन का नहीं है. इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ कैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को आर के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं और उसके कैसे क्या मेरिट्स हैं. जिन लोगों ने बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करना हो, ये भी बेसिक से है लेकिन इससे भी जरा बेसिक से स्टार्ट करना है, तो काइंडली यहां पे मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट होगी. अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां पे लर्निंग बेसिक्स ऑफ आर है. ये मेरी प्लेलिस्ट में 22 वीडियोस एट द मोमेंट पड़ी हुई हैं. आप इस लर्निंग बेसिक्स ऑफ आर में क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि जी आर को कैसे इंस्टॉल करना है. यहां से आप स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलिंग आर, आर स्टूडियो, आर पैकेजेस, आर कोड बेसिक्स. तो ये आपको बेसिक्स मिल जाएंगी. एट द मोमेंट वी आर अस्यूमिंग कि आपको ये बेसिक्स थोड़ी सी पता है, और जिनको नहीं पता आप काइंडली जरूर सीखिएगा. प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनोमेट्रिक्स और स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज एट द मोमेंट इज आर. पूरी दुनिया में जो कोर्सेज होते हैं वो सारे आर के थ्रू होते हैं. पाइथन, आर, पाइथन वगैरह के क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं इसमें नहीं जाते, बट आर इज फॉर स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज, फॉर इकोनोमेट्रिक्स लैंग्वेज. तो मैं यहां पे कुछ लाइब्रेरीज जो मैंने कहा पैकेजेस वगैरह, तो लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 आपने इंस्टॉल करनी है. ये लाइब्रेरी डीप्लायर हम यूज करेंगे. ये डेटा मैंने रीड करना है कैलिफोर्निया स्कूल का टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है. तो ये डेटा मैंने रीड किया. आप चाहते तो यहां से ओपन भी कर सकते थे अपना डेटा, क्या आप इम्पोर्ट डेटा सेट्स में, ये एक्सेल का डेटा तो जहां फाइल पड़ी थी वहां से रीड कर सकते थे. एट द मोमेंट हम जो है वो एक लाइब्रेरी स्कीम आर यूज कर रहे हैं. अब ये कैलिफोर्निया स्कूल डेटा है. अच्छा, स्टेटा और आर में डिफरेंस देखिएगा. यहां पे मैं ये कर रहा हूं कि जी दो वेरिएबल्स, पहले तो एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं कि जी अगर क्लास साइज स्मॉल है तो मैंने क्लास साइज 0 या 1 कह दिया. दूसरी चीज यहां पे मैंने ये जो आपके पास लेस देन इक्वल टू, आप यहां पे इक्वल टू भी डाल सकते थे लेस देन स्लैश, तो ये इक्वल टू का साइन होता है. डेट वन, अगर आप स्टेटा वाली वीडियो देखें तो वहां पे एक चीज थी कि हमने सिर्फ टेस्ट स्कोर और स्टूडेंट टीचर रेशियो रख लिया था लेकिन बाकी सारे वेरिएबल्स गायब हो गए थे. इसका मतलब है अगर कुछ और वेरिएबल्स रखने हैं तो आपको दोबारा से कैलिफोर्निया स्कूल का डेटा अपलोड करना है, जबकि आर में ऐसा नहीं है. आर में हमने दो वेरिएबल्स सिलेक्ट कर लिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो, टेस्ट स्कोर. तो जब आपने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए तो आपके पास जो है जब आपने ये सिलेक्ट कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेटा आपसे गायब हो गया. आप इसी डेटा को यूज करते हुए कोई और वेरिएबल सिलेक्ट कर लीजिए, कोई और सिलेक्ट कर लीजिए. अब मैं इस वक्त पहले इस डेटा की फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस यहां आपको शो करने जा रहा हूं. ये मेरा कैलिफोर्निया स्कूल डेटा आ गया. ये मेरे पास फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस शो हो रही हैं. ये देखिए सारे वेरिएबल्स की वो जो मेरी वीडियोज हैं वहां आपको ये भी पता चल जाएगा. डबल का मतलब है इंटीजर, वो जो है कंटीन्यूअस वेरिएबल है. करेक्टर का मतलब है कि वो एक जो है वो नॉमिनल स्केल पे या वो एक बाइनरी करेक्टर वेरिएबल है. और इसी तरह से और वेरिएबल्स की वहां नेचर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल है तो वो आपको पता चल जाएगी. इसी तरह से अब देखिए मैंने इसमें से कौन से वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए. मैंने इसमें से सिर्फ टेस्ट स्कोर और स्टूडेंट टीचर रेशियो और क्लास साइज जो हमने अभी जो है वो बनाया था तो वो अब देखिए. तो डेट वन ये 5 वेरिएबल्स, ये उसकी 10 वैल्यूज हमने कर ली. अब यहां पे देखिए जो आपके पास क्लास साइज 20 से बड़ा है वहां पे क्लास साइज को 1 कह दिया, जहां वो उससे छोटा है उसको हमने 0 कह दिया. अब देखिए स्कीम डेटा, मैंने एक कमांड लगाई स्कीम डेट वन, तो आप देखिए तीनों वेरिएबल्स का मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, पी नॉट आ गया 0 परसेंटाइल, P25 तो 25th परसेंटाइल यानी कि 25% ऑफ द वैल्यूज इससे नीचे रहती हैं या इससे ऊपर हैं.
50th परसेंटाइल मीडियन वैल्यू जिसको कहते हो, P75th थर्ड क्वार्टाइल, और साथ ही हिस्टोग्राम भी आ गई है। तो लास्ट वेरिएबल बाइनरी था तो इसलिए एक जीरो पे और एक वन पे पीक है, तो दैट्स इट। एनी हो, लेट्स मूव। अब मैं एक बहुत ही पावरफुल टूल है डेटा विजुअलाइजेशन का, दैट इज ggplot2। तो इस पे किसी और टाइम पे ज्यादा तफसील में बात होगी, एट द मोमेंट मैंने ggplot पे जो है वो किया det1 प्लस AES एस्थेटिक। मेरे दो वेरिएबल्स हैं, एक स्टूडेंट टीचर रेशियो है जो एक्स वेरिएबल है, एक टेस्ट स्कोर है जो कि मेरे पास वाई वेरिएबल है। जियाम पॉइंट का मतलब यह है कि मैं जो है वो लेना चाहता हूं स्कैटर प्लॉट। तो ये मेरे पास यहां पे स्कैटर प्लॉट आ गई। आप इसको जूम करके एग्जैक्टली उसी तरह की बन जाएगी जैसे आपने दी हुई थी। अगर आप यहां पे टाइटल देना चाहते हैं तो आप जी टाइटल, तो यहां पे आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, जो कि यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैंने तो कुछ वीडियोस जैसे कहा कि आप बेसिक आर की अपलोडेड है उससे रेलेवेंट वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने पहले कहा कि डेटा विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इवन देन ए मॉडल। अब मैं ये देखता हूं कि क्लास साइज के लिहाज से टेस्ट स्कोर कैसे चेंज होता है जब क्लास साइज लार्ज था और जब क्लास साइज स्मॉल था। तो ये देखिए, जब मैंने ये वाला स्कैटर प्लॉट बनाया तो आपको सामने नजर आ रहा है कि आपको यहां पे 20 हमने कट ऑफ पॉइंट रखा था, तो 20 से कम पॉइंट्स पे आपके पास जो है वो क्लास साइज टेस्ट स्कोर ये वाले हैं, और 20 से ज्यादा पे ये वाले हैं, 20 से कम पे ये वाले हैं। तो ऑन एवरेज 20 से कम क्लास साइज होगा तो एवरेज स्कोर ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा, ये हमने स्टेटिस्टिकल मीन से भी देख लिया था। एनी हो, लेट्स मूव। तो इसी तरह से ये मैं जो है वो इस पे रिग्रेशन लाइन फिट करना चाहूं तो ये मेरे पास LM स्मूथ मेथड, तो ये रिग्रेशन लाइन फिट हो गई। मैं इसको थोड़ा सा कट शार्ट कर रहा हूं और किसी और टाइम पे इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे। अब हमने मॉडल रन करना है। मॉडल रन करने के लिए आपने क्या करें कि यहां पे एक LM फंक्शन होता है, लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में क्या कर रहे हैं, टेस्ट स्कोर को हम रिग्रेस कर रहे हैं किस पे, स्टूडेंट टीचर रेशियो पे। डेटा हमारे पास क्या है, डेट वन कह दें या कैलिफोर्निया, दोनों में ये वेरिएबल मौजूद है। तो आप देखिए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट टीचर रेशियो को कोएफिशिएंट क्या आया, -2.28। आप चाहते तो इस रिजल्ट को स्टोर भी कर सकते थे मॉडल में, तो आपने इस रिजल्ट को मॉडल में जब स्टोर कर लिया तो ये पब्लिश नहीं हुआ। समरी मॉड वन, तो आप देखिए, तो आपने जब इस मॉडल वन की समरी जो कि, तो वो लीनियर रिग्रेशन, मिनिमम रेजिजुअल, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, और ये आपके एस्टिमेट्स भी आ गए, आर स्क्वायर आ गया, स्टैंडर्ड एरर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो पहले स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ आपको कोएफिशिएंट्स चाहिए तो आप कोएफिशिएंट्स ले लें सिर्फ। अब बहुत दफा हमें पब्लिशेबल रिसर्च रिजल्ट्स चाहिए होते हैं जो कि अगली वीडियोस में आएगा जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे। तो यहां पे भी एक लाइब्रेरी बड़ी यूजफुल है, पैकेज इंस्टॉल डॉट पैकेजेस मॉडर्न ड्राइव, आप इस पे जाइएगा तो यू विल गेट वेरी यूजफुल रिजल्ट्स। तो ये आप देखें, तो आप रिजल्ट्स को अपने को एक टेबुलर फॉर्म में पब्लिश करना चाहते हैं तो यू कैन रन अ कमांड गेट रिग्रेशन टेबल, तो ये आपको रिग्रेशन टेबल डिस्प्ले हो जाएगा और ये आपको हाईलाइटेड स्लोप कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे, इससे ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, तो कीप ऑन वॉचिंग। अगली वाली मेरी वीडियो जो है वो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसमें तीन चार कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होंगे। एक, क्या क्राइटेरिया है कि एक नया वेरिएबल मॉडल में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मल्टीकोलिनियरिटी क्या चीज है और क्यों ज्यादा हमारे लिए सीरियस नहीं है या कब ये सीरियस हो सकती है, और होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट का क्या मतलब है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इन जनरल हमें उतना, हम जस्ट जो है ना एक वेग सा कॉन्सेप्ट है, हम इन प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे थ्रू वर्कशॉप कि जी होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट का क्या मतलब है, ठीक है। ये